तो ठीक है, मैंने बताया था कि जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसके चार कंपोनेंट्स, मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हमारा, जो कि मेनली ये चार कंपोनेंट को पजेस करता है। पहला तो मशीन हार्डवेयर हो गया, और हार्डवेयर में भी मैंने बताया था कि हार्डवेयर भी हमारा चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी एंड सीपीयू। तो वो पहले उसमें हेड में आ गए चारों हार्डवेयर, फिर है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट पे अभी बात करते हैं, और एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया ही था प्रीवियसली कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो यूजर के लिए एप्लीकेबल है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर इंटरफेसेस की बात हमने करी थी रिसेंटली, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन सेट पे हम आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो मतलब है इंस्ट्रक्शन सेट का, वो है सीपीयू के लिए कमांड। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू इज द प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर कोई भी हमारा प्रोग्राम प्रोसेस करता है। तो प्रोग्राम हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम? हाउ हाउ टू डिफाइन ए कंप्यूटर प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ, अब जैसे प्रोग्राम है तुम लिखते हो, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ है उसमें? देखे हैं तुमने, जो हम लिखते हैं, जैसे हमने सपोज समेशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाया है किसी लैंग्वेज में, लेट्स से सी में, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जो हम लिखते हैं, दैट इज द प्रोग्राम कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, जैसे हमने लिखा स्कैन एफ, प्रिंट एफ, या सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो भी हमने लिखा, ऑल दीज आर द कोड, प्रोग्रामिंग कोड, और रफली वी कैन ऑल्सो से द इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स ऑल्सो। तो लेकिन जो हमने ये लिखा है वो हमारा सीपीयू नहीं समझता है, सीपीयू के लिए कोई मतलब नहीं है वो। इसलिए है ना कि हम अपनी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिख सके, हमने लिखा कि स्कैन एफ ब्रैकेट एम परसेंट परसेंट डी, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए, एम परसेंट डी, दो वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हमने क्या लिखा, स्कैन एफ। तो वो सीपीयू को कोई मीनिंग नहीं है, सीपीयू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सीपीयू क्या समझेगा, जीरो वन, मतलब कमांड, कि उसको कमांड मिले। तो कमांड जब सीपीयू समझेगा, तो जो वो कमांड है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस, या असेंबली इंस्ट्रक्शंस, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस जो जीरो और वन में हैं। तो हमारा जो स्कैन एफ है या कोई भी स्टेटमेंट है, ये जीरो वन में कैसे कन्वर्ट होके मिलेगा सीपीयू को, कैसे होगा? यस, या एक्जेक्टली, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर देयर टू डू दिस जॉब फॉर द सीपीयू। ओके, हमने तो लिखा, हम डायरेक्ट जीरो वन उस पे कैसे लिखेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं, बट इट इज टू डिफिकल्ट टू राइट। एवरी इंस्ट्रक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। सपोज जैसे हम कोई चार वर्ड बोलना चाहते हैं, तो चार वर्ड को अगर कोड में लिखना चाहें तो हम बाइनरी में लिख सकते हैं। सपोज हमने कहा कि आई वी यू एंड दे, इन चारों को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना, मतलब कोड करना, तो हम क्या कहेंगे, एक को हमने जीरो जीरो कोड कर दिया, एक को जीरो वन, एक को वन जीरो, एक को वन वन। अब और ज्यादा वर्ड होंगे तो हम और ज्यादा बिट की वो कोड बनेंगे। तो अगर यही कोड एक साथ लिख दिए जाएं तो उनकी मीनिंग ये निकलेगी ना जो हमने कोड किए हैं। तो वही चीज ट्रांसलेटर करता है कि हमने जो भी लिखा है, स्कैन एफ या प्रिंट एफ, हैश इंक्लूड, वो सब
इनपुट है हमारे ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। वॉट एवर वी आर राइटिंग इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट विल बी टेकन एज द इनपुट बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको इनपुट लेता है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होगा। अगर सी है तो सी का ट्रांसलेटर होगा, जो कंपाइलर हम बोलते हैं। सी प्लस प्लस है तो उसका होगा, जावा है तो जावा का कंपाइलर होगा। मतलब क्या है, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर या ट्रांसलेटर, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को, यूजर द्वारा लिखे हुए कोड को इनपुट लेता है और वो कन्वर्ट करता है सीपीयू के कोड में, सीपीयू की मशीन कोड में। जितने अलग अलग टाइप के सीपीयू हैं, सबकी कोडिंग इंस्ट्रक्शंस अलग है। जैसे पिछली बार हम बात करते थे 8085, 8086, अभी हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो उसमें इनकी बात करेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसर्स कौन से। अब जैसे मोबाइल पे है, इस पे अलग प्रोसेसर पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई सपोज मोस्टली तो इंटेल के हैं प्रोसेसर्स, कोई एथलोन का है, कोई एएमडी का है। तो सभी कंपनियों के अलग अलग प्रोसेसर हैं, तो ऑब्वियसली कि उनकी कोडिंग लैंग्वेज अलग ही होगी। इवन एक कंपनी का भी है इंटेल का, तो उसके वर्जन बहुत हैं। अगर हम स्टार्ट करें कोर i7, कोर 5, कोर i3, उसके बैक जाएं ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, डुअल कोर, फिर पेंटियम 4, p3, p2, p1, 486, 386, ठीक है, 8086, बहुत सारे वर्जन हैं। तो सबके अपनी जो लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज से मतलब क्या है कि जो ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन सेट की हम बात कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन सेट का बेसिक मीनिंग क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक। इस इंस्ट्रक्शन सेट का बेसिक मीनिंग है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट फॉर दैट पर्टिकुलर सीपीयू। जो सीपीयू हमारे सिस्टम पे चल रहा है उसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट इज द इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे तुम मीनू बनाते हो, होटल में खाने जाते हो, तो मीनू में क्या दिखता है तुम्हें, जो उसके यहाँ आइटम बन रहे हैं वो सारा उसमें है मीनू में। तुम किचन में थोड़ी जाओगे ढूंढने के कहाँ पूछने, उसने मीनू रख दिया, तुमने सेलेक्ट कर लिया, उसने वहां बता दिया, मतलब अपने हिसाब से प्रोसेस कर लिया। तो जैसे सी लैंग्वेज की बात करें, वो सभी लैंग्वेज के लिए ट्रुथ है कि हमने प्रोग्राम लिखा, हमारा सी कंपाइलर है, तो सी कंपाइलर में हमने इनपुट दिया अपने प्रोग्राम को। तो कंपाइलर का काम, जैसे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते थे डेफिनेशन कंपाइलर की, हाँ यही पढ़ते थे ना, हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वही पर्पज है। और कन्वर्ट तो तब करेगा ना जब प्रोग्राम में कोई एरर ना हो, अगर एक भी एरर है तो कंपाइल नहीं, कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जब तक एरर रिमूव नहीं हो जाएगी तब तक कन्वर्ट नहीं होगा। और एरर कहाँ पे दिखेगा उसको, जो उसकी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमने नहीं लिखा होगा तो एरर आएगी। अगर हम इंट आई डिक्लेयर करना है और आई को कैप कर दिया, जैसे इंट एक्स डिक्लेयर कर रहे हैं और इंट में आई कैप कर दिया, तो वहां एरर दिखाएगा, क्योंकि कीवर्ड सारे स्मॉल केस में होने चाहिए। तो मशीन इंस्ट्रक्शन से हमारा मतलब है कि इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द सीपीयू, ये सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट, और हाई लेवल में जो हमने लिखा वो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस में जनरेट कर देता है। अब सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो और सेव करते हैं, तो उस फाइल का नाम क्या होता है, .c या .cpp। जैसे हमने समेशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, तो वी राइट सम, मतलब लिखा हमने, ओके तो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटली हो गया डिस्कस, इसमें क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, तो आगे चलते हैं हम।
अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट रीड आउट दीज टू पॉइंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन इट. जो पहली डेफिनेशन है वो क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है सिविल आर्किटेक्चर, जब हम उसको कंप्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वही चीज है सेम. तो उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द डिजाइनर और प्रोग्रामर, जो कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है. अगर मशीन लैंग्वेज या लो लेवल इंस्ट्रक्शंस तुम्हें समझ में आ गए हैं, इंस्ट्रक्शन सेट, तो इस डेफिनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है. कि केवल अकेला यही पॉइंट नहीं है, नीचे भी है कि जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप और सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे सीपीयू, सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, उनका आपस में इंटरकनेक्शंस, बसेस, मूवमेंट ऑफ डेटा एंड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी स्ट्रक्चर, मेमोरी टेक्नोलॉजी, मदरबोर्ड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन, ये सारी चीजें क्या है, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर. जिसमें हमारा मेन पॉइंट ये भी छुपा है कि कंपोनेंट प्लेसमेंट, कि जो हमारे पास अवेलेबल एरिया है, जैसे बॉक्स है, तो उसमें उसी एरिया में सारे कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, सभी कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करना है, और सभी को इंटरकनेक्ट करने के बाद दे विल कोऑपरेट ईच अदर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. केवल कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है. मेमोरी है, मदरबोर्ड में सीपीयू लगा हुआ है, डेटा फ्लो होगा मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू से कैश मेमोरी में, कैश से मेन मेमोरी में, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और उनका डेटा फ्लो और मेनली सीपीयू की फंक्शनिंग वर्किंग इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, वो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड होती है. तो बाकी जो दो पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट टू refers to specification of the relationship between different hardware components and subcomponents of a computer system. I think both the definitions are understood by you. कोई doubt तो नहीं है इन दोनों points में? क्या ये meaning है? I don't think it so. तो finally computer architecture को हम short में ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है? Instruction architecture plus machine organization. Different components का प्लेसमेंट, उनके इंटरकनेक्शंस बाय यूजिंग द डिफरेंट. अब इंटरकनेक्शन कैसे होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के? बाय यूजिंग द डिफरेंट बसेस, उनको हम बसेस ही बोलते हैं, जो हमारे इंटरकनेक्टिंग वायर्स हैं. मदरबोर्ड के अंदर देखा होगा या किसी भी तुमने सर्किट बोर्ड के अंदर देखा होगा, चाहे मोबाइल का हो या कोई भी, कि उसमें बहुत बारीक कलर की लाइंस बनी रहती हैं. And they are broken somewhere. So they are the buses, जिनके through हमारा signal flow होता है, electronic signal. और signal consist of the data or address. एक कौन था? ठीक. ठीक है. तो this definition is clear. अब इसको आगे अगर हम बात करें, जो मैंने बोला कि लेआउट एंड डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, ये उसी में आ गया. इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म है इनपुट आउटपुट की, वो भी उसी में आ गया. ठीक है. और अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है. और चौथा है फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल हार्डवेयर यूनिट. हर एक इंडिविजुअल हार्डवेयर का अपना फंक्शंस, रोल, उसकी वर्किंग
ठीक है, जैसे प्रोसेसर की फंक्शनिंग क्या है, मेमोरी की क्या है, और एक क्लास के अंदर बात कर लो, प्रोसेसर की फंक्शनिंग क्या है, मेमोरी की, हार्ड डिस्क की, रैम की, फिर आपस ऐसा नहीं इंडिविजुअल फंक्शनिंग, ये सीपीयू मशीन की तरह है या कंप्यूटर मशीन की तरह है, तो जैसे कार है, कार के अंदर सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होके अपना अपना फंक्शन करते हैं तभी कार चलती है, सिमिलरली सेम इज द सिचुएशन विद द कंप्यूटर ऑल्सो। ओके, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो कंसर्न है मतलब क्या एक्चुअली डिक्टेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और मशीन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था जिसमें सीपीयू, अगर सबसे ज्यादा हम फोकस करें तो सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट प्लस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, एग्जीक्यूशन साइकिल, ये जो सब लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी तो क्या है कि जस्ट उसका ब्रीफ इंट्रो है, फिर बाद में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट क्या है, एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, और सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं सीपीयू के लिए, कुछ रजिस्टर्स वेरिएबल होते हैं अलग अलग सीपीयू में, कुछ कॉमन होते हैं जिनका फंक्शन कॉमन होता है। जैसे तुम स्कूटी या सपोज मोटरसाइकिल कोई भी परचेज करो तो कुछ एसेसरीज तो कॉमन ही होंगी, और बस ये है कि किसी में वो थोड़ा सोफिस्टिकेशन की वजह से चेंज हो जाएगा, किसी में डिजिटल इंडिकेटर होगा, किसी में कुछ, लेकिन जो मेन अगर तुम उसके जो फंडामेंटल कंपोनेंट देखो जैसे प्लग है या व्हील है तो वो तो सेम एज इट इज रहेगा ही। इसी तरह यहाँ है कि जो सीपीयू डिफरेंट डिफरेंट है उनके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेट चैप्टर में। जो भी एक तरह से इस आज के लेक्चर में बताया जाएगा वो कहीं ना कहीं सेपरेट लेक्चर में हमें डिस्कस करना ही है उसको। और लास्ट में लिखा है टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग द मेमोरी, एड्रेसिंग मोड, अगेन दिस विल बी डिस्कस्ड इन सेपरेट चैप्टर, एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट थिंक, जब डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म आता है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के वो आपस में कैसे ऑर्गेनाइज है, मतलब अगर हम कंपोनेंट प्लेसमेंट की बात करें, जैसे डेफिनेशन से पढ़ लो इसमें क्लियर है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे ऑपरेट होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक ही उसमें बोला जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो सिंगल वर्ड है, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कंपोनेंट है हमारे वो अपने स्थान पर प्रॉपर होंगे और कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो ये जो फीचर है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोग्रामर से जनरली हिडन होते हैं, प्रोग्रामर कैनॉट सी दीज काइंड ऑफ थिंग, जैसे हमारी कंट्रोल सिग्नल है, इंटरफेसेस है, मेमोरी टेक्नोलॉजी है, हमें तो केवल डिवाइस दिखेगी ना। जो हार्डवेयर डिजाइनर होगा, हार्डवेयर डिजाइनर या ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, वो एक्चुअल हार्डवेयर को हमारे इंटरनली देखेगा और उनको मैनेज करेगा, डिजाइन करेगा। तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है उसमें क्या क्या होता है, सीपीयू है, कैश मेमोरी है, बसेस, माइक्रोकोड, फिजिकल मेमोरी और बहुत सारी चीजें, जो वही जो हार्डवेयर मैंने बताया है। तो जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चार पॉइंट से एक तरह से डिफाइन होता है हमारा, इंटरनल रजिस्टर,
टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस, ओके, और सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस जो है, माइक्रो ऑपरेशंस हम सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। रजिस्टर हमें अलग से पढ़ना ही है, इंस्ट्रक्शन सेट भी अलग से हमें पढ़ना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्टिंक्शन है, वो तुम पढ़ लो। आर्किटेक्चर हमारा इन्वॉल्व करता है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो है प्रोग्रामर या डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे समझने में, बिकॉज एट दिस मोमेंट यू डोंट नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू के अंदर क्या है, हाउ इट वर्क्स, डेटा कैसे फ्लो होता है, एड्रेस कहाँ जाता है, मेमोरी से इसका क्या है इंटरेक्शन, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रही है लैंग्वेज समझने में, बट डोंट वरी अबाउट इट। लेटर ऑन वन बाई वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द लेक्चर्स एंड आइडिया विल बी क्लियर टू यू। आर्किटेक्चरल डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर मेन जो हम आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से आएंगे, अभी तो एक तरह से वो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे पूरी आर्किटेक्चर का सार में 20-25 मिनट में देखते हैं क्या है। मेन मेमोरी ये सिग्नल सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू पास होते हैं। अच्छा, वो मीडियम, मीडियम तो बसेस ही है, बस चाहे वो तार के फॉर्म, वायर केबल के फॉर्म में हो या उस फॉर्म में हो तुम्हारी प्रिंटेड, ऑल द थिंग्स आर बसेस। बस एक जनरल नेम है, अब वो बस किस टाइप की है, कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या सेपरेट केबल है या किसी दूसरे फॉर्म में है, ठीक है। जैसे सेकेंड ईयर में, थर्ड सेम में तुम पढ़ते थे कि ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसमें क्या है कि वायरलेस मीडिया था और वायर्ड मीडिया था, वायर्ड में फिर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, और वो फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस में रेडियो, माइक्रोवेव, तमाम तरह के होते थे। तो लेकिन जनरल नेम तो क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। यही सेम इज द थिंग कि यहाँ पर भी है कि बस या बसेस इज द जनरल नेम। ऐसा वैसे तो हम आएंगे उस पॉइंट पर, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। ऐसा इसलिए है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज कनेक्टेड थ्रू द केबल्स, बट प्राइमरी मेमोरी इज अवेलेबल ऑन द सेम सर्किट बोर्ड एज विद द सीपीयू, समझे गए। जो मदरबोर्ड है उसी में सीपीयू है, उसी में प्राइमरी मेमोरी है। अब सिंपल सी बात है, जो फ्लो हो रहा है चाहे वो डेटा हो या पानी हो, जितनी डिस्टेंस पे जाओगे या सिग्नल हो, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो जो सीपीयू के सबसे पास होगा, या जैसे समर चल रही है, पानी जितनी दूरी पे जाओगे उतना प्रेशर कम मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी, दोनों चीज है ना। तो वही चीज यहाँ है कि सीपीयू और मेन मेमोरी कितना डिफरेंस है, आसपास ही है, उस पर सीपीयू लगा है, पास में रैम का स्लॉट है, बट सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल फ्रॉम द सीपीयू टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग द केबल, केबल से कनेक्ट है सेकेंडरी मेमोरी, चाहे सीडी हो चाहे हार्ड डिस्क हो, तो स्पीड इज ऑटोमेटिकली स्लो। जो टर्शियरी मेमोरी है, जैसे मैग्नेटिक टेप है, रील्स हैं, दे आर फर्दर टू स्लो देन द सेकेंडरी मेमोरी। जो सीपीयू के अंदर है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स, दे वर्क विद द स्पीड ऑफ सीपीयू, रैम उससे थोड़ा स्लो होगी। रैम और सीपीयू की स्पीड में अप्रोक्सीमेटली, रैम और सीपीयू की बता रहा हूँ, लगभग 100 टाइम्स स्पीड का डिफरेंस रहता है।
CPU is 100 times approximately faster than the random access memory और ROM read only memory. दोनों सेम ही है, read मतलब primary memory ही है and both are available to the कौन है? तो दोनों ही चलो सुन रहे हैं प्रवचन तो सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा हाँ, तो और जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और कैश मेमोरी की स्पीड में लगभग 10 गुने का अंतर होता है, 10 टाइम्स. अब कैश मेमोरी अभी तो हम जानते हैं सिर्फ कैश मेमोरी, जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो वी विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश मेमोरीज आते हैं, डिफरेंट लेवल्स फॉर कैश मेमोरीज आते हैं. ठीक है, तो अभी जितना हमें आता है उतना ही पढ़ रहे हैं ना, फिर जब बाद में जो टाइम आएगा एट दैट टाइम के फिर पढ़ेंगे. ठीक है, तो यही रीजन है और कोई नहीं. अरे ये तो गांव का भी आदमी बता देगा कि जो इसमें है क्या. हाँ ये नहीं पता था कि मतलब उसी सर्किट से जो प्राइमरी मेमोरी है और हाँ बताओ बोलो. जो आपने बताया ना एक ही सर्किट से पांच पार्ट अलग होते हैं, हाँ तो वही रीजन. और दूसरा, अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में है हमारा कोई भी मेमोरी, और सिर्फ ये अकेला रीजन नहीं है. ठीक है, मैं चाहता था जब हार्ड डिस्क से आप पढ़ाऊं तभी प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, बट लेट मी. उसके अलावा जो रैम है दैट इज टोटली सेमीकंडक्टर मेमोरी. ठीक है, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रैम एंड रोम, बट हार्ड डिस्क इज नॉट द टोटल 100% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हार्ड डिस्क इज मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक, जहां पे वो जो व्हील होता है, व्हील स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ द डिफरेंट प्लेटर्स, और वो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू. तो मैकेनिकल जहां भी आ जाएगा, तो जितनी देर में रैम में वो डेटा हमारा फ्लो हो जाएगा सीपीयू से उसमें, उतनी देर में तो हार्ड डिस्क एक्टिवेट ही होती है. ठीक है, तो जहां मैकेनिकल पार्ट आएगा जैसे सीडी रोम, तो इट विल टेक मच मोर टाइम एज कंपेयर्ड विद द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी. ठीक है, तो दैट्स आल्सो द रीजन. फर्स्टली डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज द टेक्नोलॉजी यूज टू कंस्ट्रक्ट इट. हाँ तुम पूछ रहे थे कुछ? नहीं देखो ऐसा, इफ डाउट इज देयर डोंट वरी, आस्क इट फ्रीली. आई एम हेयर टू टेल यू टू डिस्कस एवरीथिंग. टीचर का रोल क्या है कि लेट एनी काइंड ऑफ डाउट कम विद द टीचर, टीचर विल क्लियर द डाउट. और टीचर का क्या रोल है? बाकी तो किताबें तो दुनिया भर की जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास भी है, नेट कनेक्शन गूगल वो जो सब तुम्हारे पास है, लाइब्रेरी आई एम ऑल्सो हैविंग दैट. बट ये है कि ऐसा नहीं है, ओनली थिंग इज ऐसा नहीं है कि टीचर इज ऑलवेज इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट. दिस इज मतलब कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट ट्रू. Only difference is that we are teaching the things since last many years and having much more knowledge than as compared to you. So this is the difference. Intelligence, intelligency ya baaki sari cheeze same ho sakti hai, but knowledge level ye hai ki tum usko first time padh rahe ho. Main sadiyan beet gayi, matlab time beet gaya padhate padhate. ठीक है, तो हम कहाँ थे? आर्किटेक्चरल डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर. तो जो 1945 में एक आर्किटेक्चर से मतलब एक सर्टेन डिजाइन, ठीक है, सर्टेन डिजाइन से मतलब कि जैसे अगर अपने दिमाग में आता है, हम सिविल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अपने दिमाग में आता है कि मैरिज हाउस, गेस्ट हाउस, तो उसका एक आर्किटेक्चर अपने दिमाग में आता है ना कि हाँ बड़ा सा हॉल होगा, एक मतलब कि दोनों पक्षों के लिए रूम होंगे, ये होगा, स्टेज होगा, एक मतलब एक माइंडसेट. इसी तरह अगर हम बोले होटल्स, तो होटल्स का दिमाग में आइडिया आते ही उसकी आर्किटेक्चर एक दिमाग में आती है कि हाँ डिफरेंट एक कॉरिडोर में रूम ऊपर नीचे कई फ्लोर में होंगे, तो एक
मतलब कि नाम लेने से एक आर्किटेक्चर उसका डिफाइन हो जाता है। अगर हम ब्रिज की बात करें उसका आर्किटेक्चर दिमाग में आता है। तो वही जो यहाँ पर है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कि आर्किटेक्चर के टर्म्स फिक्स हैं। जैसे स्टैंडर्ड सबसे पहला आर्किटेक्चर था वॉन न्यूमैन, तो जॉन वॉन न्यूमैन, तो ये तो था यह साइंटिस्ट का नाम जो 1945 में इसने ये आर्किटेक्चर बनाया था, तो इसी के नाम पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो उसका एक सर्टेन अपना एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। फिर IBM ने डेवलप किया एक IBM 701 सिस्टम, ठीक है, जो कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था 1952 में। इसके पहले कंप्यूटर का जो इरा था वो हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल, इसलिए उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि जो इरा था उसमें हमारे बहुत सारे कई टाइप के OS होते थे, टाइम शेयरिंग और ये सब चीजें, ठीक है। तो वो पहले की बातें हैं को इसमें हम छोड़ते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज आर्किटेक्चर, तो वो तीन तरह की आर्किटेक्चर यूज होते हैं हमारी। एक तो हार्डवर्ड आर्किटेक्चर है, दूसरी वॉन न्यूमैन है, तीसरी फ्लेंस क्लासिफिकेशन। तो जो फ्लेंस क्लासिफिकेशन है ये हम पढ़ेंगे लास्ट में सेपरेट चैप्टर में पैरेलल कंप्यूटर्स में। तो आर्किटेक्चर किसी कंप्यूटर का क्या है, बेसिक प्लान है कि जिस प्लान से वो कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट हुआ है। जैसे अगर हम गेस्ट हाउस कहते हैं तो गेस्ट हाउस उसकी आर्किटेक्चर का एक प्लान ही तो है कि हाँ इस तरह के प्लान से वो गेस्ट हाउस बनेगा, ब्रिज इस प्लान से बनेगा, होटल ऐसे बनेगा, घर इस तरह बनेगा। तो यही कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि एक प्लान है जो स्टैंडर्ड तरीका है, और वो तीन स्टैंडर्ड तरीके हैं इसके जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आर्किटेक्चर्स हैं जैसे प्रोसेसर एरेज है, बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स है, डिसजॉइंट मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स है, ये भी आर्किटेक्चर है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर इस तरह है कुछ जनरल, इसका जो डायग्राम है इसमें डेटा और प्रोग्राम सेपरेट प्लेसेस पर स्टोर होते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर में। इसका जो एडवांटेज है हार्डवेयर का और डिसएडवांटेज है, तो ये डेटा और प्रोग्राम अलग अलग स्टोर होते हैं तो उनका सेपरेशन भी रहता है डेटा रीजन और कोड रीजन का, और डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग बसेस यूज होती हैं जिससे कि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। और यही इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि हमारा डेटा और प्रोग्राम को फैच करने के लिए सेपरेट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक स्लाइड और रह गई उसको और डिस्कस करना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों एक ही प्लेस पर सेव होते हैं। ये अब हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी वगैरह जो आगे आएंगे, अभी सब काफी सारी चीजें थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रही हैं, बट डोंट वरी। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने ये इसको इंप्लीमेंट किया कि डेटा और प्रोग्राम एक सेम फिजिकल मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं। तो बाय दिस we have completed this introduction to the computer architecture and organization, और next lecture से हम CPU architecture के बारे में बात करेंगे, specific to CPU, CPU के अंदर के components, registers, etc. ठीक है, तो मैं इसको close कर दे रहा हूँ and